Hello and welcome to another episode, a special episode of NBB Decode. NFTs एक ऐसा concept है, एक ऐसा term है जिसके बारे में आप कुछ time से सुन रहे हैं, काफी कुछ बड़े बड़े creators, बड़े बड़े celebrities भी involve हो रहे हैं, अपने अपने NFTs release कर रहे हैं. But NFT as a concept, as an industry, exactly क्या है, कहाँ से आ रहा है, इस boom के पीछे क्या कारण है और कहाँ जा रही है ये industry, उसके बारे में आज सब कुछ जानेंगे एक एक्सपर्ट से. आज हमारे बीच है मिस्टर तोशेंद्र शर्मा, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ एनएफटीकली, एक ग्लोबल मार्केट प्लेस फॉर एनएफटीज. वेलकम वेलकम सर टू एनबीबी डीकोड. थैंक यू सुजय. शुरू करते हैं सर. सबसे पहले एनएफटीज, व्हाट इज एन एनएफटी? श्योर. सो यू नो, सुनने में बड़ा छोटा लगता है, तीन लेटर्स हैं, एनएफटी है. बट इसको समझने के लिए ना हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा. पहले समझ लेते हैं व्हाट इज ब्लॉकचेन, बहुत देसी सिंपल भाषा में, मतलब ज्यादा टेक्निकल नहीं होना है. सो ऐसे मान के चलो, आपका एक बैंक स्टेटमेंट होता है ना, जिसमें क्रेडिट और डेबिट के रिकॉर्ड्स होते हैं, राइट? इस अकाउंट से इतना आया, इतना गया, इतना आया, इतना गया, उसकी एक बहुत लंबी सी एक्सेल शीट मान लो इसको एक. और वो जो एक्सेल शीट है ना, वो इतनी लंबी है कि उसमें मिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ लाइन है, इनफाइनाइट लाइंस मान लो उसको. वो एक्सेल शीट एक, उसको लेजर बोलते हैं, राइट? दैट लेजर इज समहाउ डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग मल्टीपल कंप्यूटर्स ऑल ओवर द ग्लोब. So, thousands of computers में वो ledger कहीं ना कहीं spread हो रखा है, और इस तरह से हो रखा है कि सब मिला के एक ledger की एक super copy बनाते हैं, जिसको बोलते हैं master copy, right? वो master copy सारे computers algorithmically मिन के उसको maintain करते हैं. That process is called mining, right? In a simple language, though there is a technicality, but it's okay, right? So, that ledger is called blockchain, right? And a blockchain ledger, actually, to be honest, right language is blockchain ledger. That whole concept of peer-to-peer computers or technology servers, machines coordinating and storing it in a simple, concise manner is called a blockchain. It's a whole technology is called blockchain. So that's why it's called a distributed ledger technology. So now you understood the concept. Yeah. Achha, isko DLT bhi bolte hain. Why blockchain is called DLT? Because a ledger hai aur wo distributed hai aur uski technology ko hum distributed ledger technology bolte hain. To ye to samajh mein aa gaya. To iska fayda kya hota hai? Problem ye hai, hum kar kyun rahe hain? Matlab What is the need? क्या मतलब दिमाग खराब है क्या हमारा, ऐसा क्यों करेंगे यार? अब कंप्यूटर पे करते हैं ना अपने, क्या फर्क पड़ता है? बट द आंसर इज, व्हेन यू डू समथिंग ऑन योर ओन कंप्यूटर और ऑन अ सर्वर, इट कैन इजीली बी टेम्पर्ड. एनीबॉडी कैन गो एंड चेंज इट, राइट? आप बोलोगे यार, मतलब कौन कर सकता है? हैकर सबसे अच्छा आंसर है. सेकंड अच्छा आंसर है कि जो ओन करता है वो तो कर ही सकता है, राइट? सबसे अच्छा आंसर, ठीक है. तो क्या दिक्कत है उसमें? प्रॉब्लम यह है कि अगर मैंने कुछ स्टोर करा अपने सर्वर में और मैं आपसे बोलूं देखो ट्रस्ट करो उस चीज पे, इट इज प्रॉपरली सेफ एंड सिक्योर, तो आप बोलोगे अरे ऐसे कैसे ट्रस्ट कर लूं भाई, तुम्हारा है, तुम तो कभी भी चेंज कर दोगे हमारे लिए, हमें क्या फर्क पड़ रहा है? सो दैट कॉल अ ट्रस्ट इज मिसिंग. सो वी कैन नॉट ट्रस्ट ऑन अ डेटा व्हिच इज स्टोर्ड इन अ सेंट्रलाइज्ड सर्वर. सो नाउ वी नीड टू क्रिएट द ट्रस्ट. सो हाउ डू वी क्रिएट ट्रस्ट? अगर कोई चीज थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूटर्स एल्गोरिथमिकली मिलकर मेंटेन कर रहे हैं तो हम उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं, बिकॉज उस लेजर को चेंज करने का कोई तरीका नहीं है. वर्चुअली इट इज इम्पॉसिबल, बिकॉज यू नो इट विल रिक्वायर थाउजेंड ईयर्स और मे बी फाइव trillion dollars to actually change it, which means it's not possible, right? So now, अच्छा, तो यानी कि हम एक ledger बना रहे हैं जो कभी कोई change नहीं कर सकता, even the person who has created the entry inside the ledger. तो ये वाला concept भी clear है. तो ledger है जो कि immutable है. When immutable means something that cannot be changed. Immutable ledger आ गया, यानी कि this is very very good. अब मैं कुछ publish करूँगा, तो आप उस पर trust कर सकते हो क्योंकि मैं बाद में change नहीं कर सकता, right? I cannot change it. Algorithmically, logically, programmatically, financially, I cannot change it. I have no power. That's how the Bitcoin is actually valued, because once I send a Bitcoin, I cannot take it back because ledger is already... Okay, so I'll just start with the non-fungible. So before we understand the non-fungible token, which is a simple term, sounds like a simple term, we need to understand the property of fungibility. So if you understand fungibility, understanding NFT is very easy. Yeah. So what is fungibility? Fungibility is a property of an object by which it can easily be changed or exchanged. Yeah. So you have 100 rupees, I have 100 rupees, maybe an old note, you have a new note. You want to change it, right? We can change it. You still happy, I'm still happy, because nobody has added a value or reduced its value. So money is actually exchangeable, right? So money is a fungible token or fungible currency, right? Okay. But let's talk about the context of human. Let's say मैं हूँ, आप हैं, या फिर आपका कोई दोस्त है, हम उसको एक दूसरे से replace नहीं कर सकते, because humans are completely unique in itself, right? So even if the something is actually exactly same by look in terms of human,
लेट्स से कोई ट्विन्स है, दो भाई हैं, तो हम दोनों को आपस में इंटरचेंज नहीं कर सकते, राइट? एवरीबॉडी हैज इट्स ओन थिंग. सो ह्यूमंस बाय प्रॉपर्टीज आर नॉन फंजिबल. ये बहुत क्लियर कट एग्जांपल्स है, दोनों समझ में आ जाते हैं. तीसरा, इसके बात करते हैं पेंटिंग्स के बारे में. अगर मैं म्यूजियम में टंगी हुई पेंटिंग है, आपसे बोलूं यार ये तो दिखने में ठीक है, एक जैसी तो है, क्या फर्क पड़ता है, ले लो ना ये वाली मुझे दे दो, आप ये वाली रख लो, तो वो नहीं चलेगा, क्योंकि ओरिजिनल ओरिजिनल होती है, डुप्लीकेट डुप्लीकेट होती है. तो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड नॉन फंजिबल. सो पेंटिंग्स यू नो हैंगिंग इन अ म्यूजियम आर एक्चुअली नॉन फंजिबल टोकन्स, राइट? आई एम जस्ट कॉलिंग इन देम टोकन्स बिकॉज ऑब्जेक्ट इज अ टोकन, राइट? Now, when it comes to blockchain, blockchain says, यार एक काम करते हैं, कोई भी डिजिटल एसेट जो आपके लैपटॉप और आपके फोन में एग्जिस्ट करता है, उस टोकन, उस ऑब्जेक्ट को, उस एसेट को, इट कैन बी अ फाइल, इट कैन बी इमेज, अ वीडियो, अ टेक्स्ट, अ पासवर्ड, वट एवर यू कैन थिंक ऑफ, राइट? उस फाइल को अगर मैं किसी एक ब्लॉकचेन में किसी एक एंट्री से क्रिएट मैप कर दूं, एंट्री मीन्स द लेजर में जो एंट्री होती है क्रेडिट और डेबिट वाली, और उसे मैप कर दूं किसी तरह से, so I'll call that mapped entry in the blockchain ledger as a token which is connected to a digital asset, right? Or us token ko ab main bolunga NFT because it's a non fungible token. So digital art hai, digital art to koi change kar hi nahi sakta, simple logic hai bhai, koi change kar sakta usko, right? Because wo ek bar create ho gayi, to jab bhi aap koi create karo usko modify karne ki koshish karoge to wo actually uski copy ban jayegi dusri, right? Jo original wala jo stream of bits hai wo to wahi rahenge hamesha. जब भी आप जैसे कोई आपने वर्ड डॉक्यूमेंट फाइल बनाया, आपने कुछ चेंज किया, फिर आपने कहा वर्जन 2, वर्जन 3, वर्जन 3 फाइनल, वर्जन 3 फाइनल, 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 तो ऐसे कॉपी बनती जाती है. बट जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है, एसेट है, उसको अगर मैंने एक बार मैप कर दिया किसी ब्लॉकचेन के लेजर टोकन से, तो आई कैन से कि यार दिस टोकन इज रिप्रेजेंटिंग दिस पर्टिकुलर डिजिटल फाइल, इमेज, वीडियो, ऑडियो, कुछ भी हो जाए, चलो वो. नाउ अब मैं बोलता हूँ कि जिसके पास ये टोकन होगा ना, मैं उसको बोलूंगा उस डिजिटल एसेट का ओनर है. So that token is called an NFT, non-fungible token, which is linked to the digital asset. Now, वो digital asset digital भी हो सकता है, वो non-digital भी हो सकता है. Actually, nowadays people in the US actually are mapping properties to a digital token. Right? Yeah. Real estate है, $1 million का एक real estate है, और वो mapped है token से. So that token is also called an NFT. So NFT का now purchase selling हो सकती है, क्योंकि वो blockchain पे ledger में entry हो चुकी है उसकी. Now blockchain transaction do not require a trusted third party for the transaction. They can be peer-to-peer and trustless, right? So ab aapko aur mere ko Badal, let's say I own the token because I maine create kiya, to mere address se mapped hai aur mere paas mere account mein pada hua hai wo. Aap kehte ho yaar mujhe ye chahiye, theek hai? To hum ek program likhenge jisko hum smart contract bolte hain, usi ke through humne actually isko mint kiya tha, banaya tha. To main bolunga aap ek kaam karo, 1 ether isme bhejo, मैं आपका 1 ether मेरे पास आ जाएगा अपने आप, और जैसे ही मेरे पास आएगा ना, उसी इंस्टेंट मूवमेंट पे ये टोकन मेरे वॉलेट से निकल के आपके वॉलेट में चला जाएगा. और देयर इज नो वे कि मैं ईथर रख लूं और आपको टोकन ना दूं, ऐसा पॉसिबल बिकॉज वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू हो रहा है सब कुछ, तो वो इंस्टेंट होगा. नाउ इसका मतलब है कि मैं डिजिटल एसेट को सेल कर सकता हूँ विदाउट हैंडलिंग एनी, विदाउट हैविंग एनी यू नो इंटरमीडियरी और ट्रस्टेड थर्ड पार्टी, और लेट्स से ऑक्शन हाउस और समथिंग लाइक दैट. विटनेस वगैरह नहीं चाहिए, कुछ कोई बवाल नहीं. अब मतलब सीधे बात करेंगे भाई भाई आपस में, तुम्हारा मेरे पॉकेट में, मेरा तुम्हारी पॉकेट में, बस खत्म सीधे, ठीक है? और इसमें ट्रस्ट होगा. ऐसा नहीं पॉसिबल है कि मैं ले लूं तुमसे और तुम्हें ना दूं, ये वाला जो रिस्क होता है ना किसी पार्टी को डील करने में, वो सब नहीं है, राइट? जो कि ट्रस्टेड थर्ड पार्टी आ जाती है, तो उसमें आप एस्क्रो में डाल देते हो कि ठीक है मेरा पैसा एस्क्रो में रहेगा, जब मेरे पास आ जाएगा तो ये पार्टी मुझे दे देगी, एंड आई वी बोथ ट्रस्ट दैट पार्टी. दुनिया में कितने टाइप के यूनिक फाइल्स होंगी, डिजिटल इमेजेस होंगी डिजिटल, उसका कोई लिमिट नहीं है, राइट? मतलब मैं ट्रिलियन भी बोलूंगा तो बहुत छोटा सा नंबर लगेगा एक्चुअली उसके सामने. इट्स लाइक अ यू नो वेरी टाइनी डॉट इन अ एंटायर यूनिवर्स. तो वो तो यानी कि इसका मतलब है कि हम किसी भी डिजिटल एसेट को कन्वर्ट कर सकते हैं. तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये बहुत ही फेमस हो गया है इंटरनेशनली, राइट? तो इसमें क्या हो रहा है, पीपल हैव रिकॉग्नाइज्ड इट्स वैल्यू इन अ वेरी डीप मैनर, यू नो. And they are actually trying to make money out of, you know, this whole concept by actually selling the digital asset they have owned earlier, have created fresh.
सो नाउ मैं बोलता हूँ कि ठीक है यार मैं काम करता हूँ, मैं ना फोटोशॉप का एक्सपर्ट हूँ, मैं काम करता हूँ एक सीरीज ऑफ पेंटिंग्स बनाता हूँ, मे बी सम क्रेजी पेंटिंग, सभी सम एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग और मे बी सम साइकेडेलिक पेंटिंग, आई डोंट नो, मतलब बड़ी क्रेजी पेंटिंग है ना, दुनिया इधर उधर हिल रही है, समथिंग लाइक दैट। मैं बोलता हूँ कि यार मेरे को बनाने में कितना लगता है, 8 घंटे लगते हैं, एक दिन में एक बनाता हूँ, मैं काम करता हूँ, एक महीने में बैठ के बनाऊंगा 30 बनेंगी मेरे पास, उन 30 को मैं एक इधर ईच में बेचूंगा, मैं डॉलर में भी बेच सकता हूँ, किसी में बेच सकता हूँ, वो आपकी मर्जी है, कोई दिक्कत नहीं, सब आजकल सब ऑप्शन अवेलेबल है, तो आप बेचो, बेच के आपको पैसा आएगा, आप इंजॉय करो उसको, खत्म। सो नाउ पीपल आर डूइंग इट वेरी हेवीली। अब बात आती है इमेजेस की या पेंटिंग्स की, तो पेंटिंग्स के बियॉन्ड बहुत कुछ है यार, बहुत कुछ है, जैसे वीडियोज हो गई, ई बुक्स हो गई, नोट्स हो गए, एल्गोरिथम्स हो गई, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स हो गए, ओपन सोर्स कोड बेस हो गया, मतलब आप सोचो तो एंडलेस लिमिट्स हैं, मतलब इसमें एंडलेस, प्रॉपर्टी हो गया, प्रॉपर्टी कुछ भी, मतलब म्यूजिक इंडस्ट्री में चले जाओ तो म्यूजिक कंपोजिशंस हो गए, लिरिक्स हो गए, यू नो इंस्ट्रूमेंट की डिटेल्स हो गए, कुछ भी, मतलब एनीथिंग, आप सोचो ना व्हाट आर द काइंड ऑफ थिंग्स व्हिच कैन एग्जिस्ट इन योर लैपटॉप। टेक्निकली टू बी ऑनेस्ट, पीपल नाउडेज रनिंग इन देयर एंटायर लाइफ ऑन यूजिंग लैपटॉप, राइट, और मोबाइल फोन, सो यू नो दैट देयर इज नो लिमिट। सो ये है पूरा कॉन्सेप्ट एनएफटी का, और इसलिए फेमस हो रहा है बिकॉज पीपल आर फाइंडिंग इट इजी टू मेक मनी, इजी टू सेल देयर डिजिटल एसेट्स। ओके, हमने एप्लीकेशंस की बात करी, मतलब आई थिंक एट दिस पॉइंट इट्स सेफ टू से लिमिटलेस एप्लीकेशंस हैं अभी, एंड अभी हमने मेरे ख्याल से बस सरफेस को स्क्रैच करना शुरू किया है, राइट, थोड़ा आर्ट के साथ, थोड़ा प्रॉपर्टी के साथ, विच आई थिंक प्रॉपर्टी के साथ एडवांटेज ये होगा प्रॉबली बिकॉज वो जो डुप्लीकेशन और फॉर्जरी का इशू आता है पेपर्स का, कि एक ही प्रॉपर्टी 4 लोगों को बेच दी डीलर ने, वो वाला इशू शायद नहीं होगा, सारे रिस्क हैंडल हो जाएंगे। और बट थोड़े से चैलेंजेस भी इन चीजों में, जब आप फिजिकल एसेट्स को करते हो तो जो ऑन चेन ट्रांजेक्शन तो आपने टोकन का कर लिया, बट जो एसेट की जो एक्सचेंज है वो तो यार एक्चुअली ऑफ चेन होना पड़ेगा, एग्जैक्टली, तो उसके जो चैलेंजेस हैं वो अभी भी इंडस्ट्री में अवेलेबल हैं, तो उसके लिए भी वो थोड़े से रहेंगे, वो रहेंगे अभी, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं आता इमीडिएटली आपको निकालने का ना, उसको सॉल्व करने का, इट्स जस्ट दैट द प्लेटफॉर्म लाइक अस एनएफटीकली वेयर वी कैन से यार ओके यार हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू किया है तो इट इज एक्चुअली अवेलेबल, सो दोस थिंग्स कैन हैपन इमीडिएटली। तो सेलिब्रिटीज लेट एक्चुअली सेलिब्रिटीज तो बहुत अच्छा यूज केस देख रहे हैं इसमें, इन्फ्लुएंसर, प्रोडक्शन हाउसेस, यूट्यूब चैनल ओनर्स, यू नो दे आर फाइंडिंग इट वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज इट्स इजी टू एंटर। आपने एनएफटी के लिए की बात करी, लाइक वी हैव स्पोकन अबाउट द एप्लीकेशन, एनएफटी के लिए क्या इस टाइम पे किस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है इन दिस पर्टिकुलर स्पेस, इन द एनएफटी स्पेस, राइट? सो एनएफटीकली इज अ सास सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस व्हिच अलाउज एंटरप्राइजेस, सेलिब्रिटीज, इन्फ्लुएंसर, यूट्यूब चैनल, ओपन सोर्स डेवलपर्स टू लॉन्च देयर ओन एनएफटी स्टोर within minutes without any technical knowledge. So let's say Sujay कहता है यार मुझे NFT ज़्यादा technically तो मुझे ज़्यादा पता नहीं है, but मुझे पता है कि मैं बेच कैसे सकता हूँ और क्या सकता हूँ, ये पता है, but मेरे को technically नहीं पता कैसे बनाना है, क्या ना बनाना है, can you help me? So answer is NFTically you can do it within minutes, within 2-3 minutes, even not even 2 minutes actually, within a minute actually you can launch your own NFT store, sujay.nftically.com or even create your own domain name like sujaynft.com, whatever you prefer. Right, and white label it completely, sell whatever you want to sell and make money, that's it. So we are a enterprise tools, right? Okay. Enterprise full stack NFT company which is offering a lot of things over NFTs, not just that, even revenue split karna hai aapko aapas mein, jaise maan ke chalo kai bar hota hai na ki aapne kuch image banayi but yaar wo actually photo thi wo 4 logon ne milke banayi thi ya koi movie banayi aapne, let's say aap production house hain, aapne movie banayi, aap kehte yaar main us movie ko as a NFT release karna chahta hu, you can do it with us, through us, you can do it very easily. तो ऐसे बहुत सारे use cases हैं, और celebrities कहते हैं कि मेरे पास कुछ photograph है मेरे बचपन की, I want to share it with my followers and to make sure that I mint them as an NFT. वो भी possible है. Why not? Right. और enterprises हैं, जैसे कोई भी enterprise, कोई cricket club हो गया या कोई sports enterprise हो गए, they can also launch certain movements of NFTs under their own brand and umbrella, मतलब powered by us, but with their own brand, with their own front face. Their own storefront. We will be in the back end. Basically, you are providing the software. You are providing the platform for them to go on and do whatever they want. Their own NFT white label. Yeah. Store, white label. So we are not saying that come and mint on our platform. See, when a celebrity mint on our platform, it adds value to us because we are a marketplace. So jitne achhe user honge, main kahunga wow, 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 bahut badhiya, mere ko to bahut fayda ho gaya. But nahi yaar,
सेलिब्रिटी अपने डोमेन नेम में करे, अपने डोमेन में वैल्यू ऐड करे, सब कुछ अपने पास रखे, हमारा सॉफ्टवेयर यूज करे, हम उसमें खुश हैं, हमें ज्यादा नीचे हमारा उसे भी खुश है, राइट। सो हाउ डिड एनएफटी कम अबाउट, कहां से आया वो? एक्चुअली क्या हुआ कि हमारी कंपनी में ना कई लोग, जैसे आई एम रनिंग अ ब्लॉकचेन कंपनी ऑलरेडी, यू नो एडटेक कंपनी इन ब्लॉकचेन, वेयर वी डिलीवर एजुकेशनल सर्टिफिकेशंस इन ब्लॉकचेन। तो उसमें हमारे पास स्टूडेंट्स आते रहते हैं कि ये बनाना है, वो बनाना है, ये चाहिए, वो चाहिए। तो मेरे पर रिक्वेस्ट आने लग गई थी कि हमें एनएफटी मार्केटप्लेस बनाना है। तो आई थॉट यार बना तो मैं दूंगा, ठीक है, बट प्रॉब्लम इज कि यार मैं कितनों के लिए बनाऊंगा। मैंने सोचा एक काम करते हैं, एक सॉल्यूशन जनरेटर बनाते हैं विच विल जनरेट एनएफटी मार्केटप्लेसेस। सो आज मार्केट में अगर मान के चलो इंडिया में अगर लेट्स से 2-3 मार्केटप्लेसेस हैं जो आजकल लोग क्लेम करते हैं ना कि हमने मार्केटप्लेस बनाया, हमने मार्केटप्लेस बनाया, इट्स नॉट अ स्किल नाउ बिकॉज वी हैव मेड इट सो इजी कि आज 1 बिलियन पॉपुलेशन है ना इंडिया में, तो अगर उसमें से 10% लोग कहते हैं कि ना 100 मिलियन लोग कहते हैं कि मेरे को अपना एनएफटी मार्केटप्लेस खोलना है, तो आज वो खोल लो हमारे साथ। सो इट्स दैट इजी, 2 मिनट्स लगते हैं, नो कॉस्ट। सो टेक्निकली क्रिएटिंग एन एनएफटी मार्केटप्लेस इज नॉट एन स्किल एनीमोर, नॉट समथिंग अ स्ट्रेंथ एनीमोर। वी क्रिएटेड अ सॉल्यूशन व्हिच विल हेल्प एनीवन लॉन्च देयर ओन एनएफटी मार्केटप्लेस, अ वेरी पावरफुल, वेरी एसईओ फ्रेंडली, वेरी 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 फीचर रिच, very customizable, controllable, you know, transparent. So और क्या चाहिए लाइफ में किसी को, राइट? मैं आप 1 करोड़ रुपए खर्च करके सॉफ्टवेयर बनाओगे, है ना, मैं आपको 1 मिनट में बना के दे रहा हूँ फ्री कॉस्ट का, तो आप क्यों अपनी लाइफ खराब कर रहे हो? बेटर है कि 1 करोड़ रुपए आप मार्केटिंग में खर्च करो ना, क्या मार्केटिंग में, क्रिएशन में, प्रोडक्शन में, करो, लोगों को बांटो पैसे, ऐसे ही करते हैं, बट पैसे क्यों वेस्ट करने हो रहे हैं? सो नाउ क्रिएटिंग एन एनएफटी मार्केटप्लेस इज नॉट एन एज, वी मेड श्योर दैट ऑफ दैट थिंग। So, आपको बस एम्पावर करना है अपना इंजन, आप ज्यादा पैसे वेस्ट मत करो, हमारे साथ इंटीग्रेट कर लो आराम से। हमारी तो फीस सिंपल रहती है कि यार जब आपका बिकेगा तो हमें दे देना, काइंड ऑफ अ कमीशन ऑन रेवेन्यू, समझ गया, उस टाइप का मॉडल है। तो आपको लाइफ में टेंशन ही नहीं है फिर कोई। दैट्स रियली ऑसम बिकॉज आई थिंक इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे ऑलमोस्ट हर घर में कम से कम एक आर्टिस्ट तो है। अरे आजकल यार टिकटॉक पबजी ये सब जो आए ना, इन्होंने मैसिव वैल्यू ऐड करी है, मतलब इट लुक्स वेरी स्टूपिड, बट एज एन एंटरप्रेन्योर, एज अ बिजनेस पर्सन, आई सी अ मैसिव सक्सेस दैट टिकटॉक हैज शोन और डिलीवर्ड राइट टू द इंडियन पॉपुलेशन, एंड फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, यू नेम देम, सब कॉपी कर रहे हैं उनको। सोचो आप, सब उनके कॉपी कैट है। आप MX टकाटक ले लो, चिंगारी ले लो, सब कॉपी कैट। सो जो टिकटॉक ने किया ना, वो बता रहा हूँ बहुत बड़ी चीज है। अब उसने सारी कंटेंट क्रिएशन की जो पावर है वो उसने एक गरीब आदमी के हाथ में दे दी, जो बेचारा एक झोपड़ी में छोटे से गांव के पे रहता है, बेचारा कमाता नहीं है वो, राइट? उसको इंटरनेट पे कोई नहीं पूछता था। आज जब वो वैल्यू उसने बनाना शुरू किया तो लोगों को पसंद भी आया। नॉट जस्ट कि आप, मतलब एक्चुअली आप कितना स्टूपिड लगे अगर आप देख रहे हो ना, तो टेक्निकली यू आर गेटिंग एंटरटेन्ड, राइट? ट्रू, एंटरटेनमेंट कम्स इन ऑल फॉर्म्स एंड शेप्स। Obviously, आप ये नहीं कह सकते कि यार कितना घटिया बनाया, अबे तो देख क्यों रहा है, घटिया बनाया तो आग बंद कर ले, है ना भाई, बकवास मत कर, ठीक है ना। बट ध्यान, सबसे बड़ी बात ये है कि आप फेसबुक की रील्स पे जाओ, यूट्यूब रील्स पे जाओ, वहां पे देखो आप धड़ाधड़ बन रहे हैं, लोग देख रहे हैं, मिलियंस ऑफ व्यूज आ रहे हैं। तो दिस शोज दैट पावर हैज बीन गिवन टू द पुअर पीपल थ्रू द इंटरनेट टूल्स, एंड वी वॉन्ट टू बी दैट फॉर NFTs, गिव द पावर टू द हेड ऑफ द पुअर पीपल हु लिव इन द टियर 4 सिटीज एंड कैन डिलीवर एंड मेक मनी थ्रू दैट assets they have created over past, right? A meme can be generated from a very small cities, very small town or villages person, and that meme can be a very valuable meme, right? Very fair. That's a I'm a very big fan of those things, right? Ki jo bahut powerful internet is all about value in your hand. आज एक कोई भी छोटा, maybe whoever is eligible to use internet, to be honest, illegally or non-legally even, if you have access to the internet, you have a voice, right? That's a very powerful thing, right? It's actually strengthened the democracy as well, right? तो वो सारी चीजें ना इतनी अच्छी हैं कि मैं सोचता हूँ कि यार internet actually belongs to people. Internet do not belong to the enterprises, and that's where the NFTs come into the picture. Where say that okay, just like a democracy. Power belongs to the man, common man. In internet, actually, the power belongs to the common people, right?
And why not they create value and they monetize it with their own level without any intermediary or enterprises. That's where we come to the picture. We say that हम लोग जो कर रहे हैं ना वो हम blockchain और उनके बीच का एक interface है. हम भी actually कुछ own नहीं करते. हम उनका control नहीं करते, हम उनका own नहीं करते, हम कुछ नहीं करते. हम कहते हैं भैया आपको जो करना करो आप अपने wallet से direct connect करोगे. हम तो वैसे कोई control नहीं रख रहे हैं. तो जीतना वो आदमी सिंपल है ना. हम तो उसको वैल्यू दे रहे हैं, डिलीवर कर रहे हैं. तो हम तो कुछ नहीं. आई डोंट बिलीव इन कंट्रोल. आई डोंट बिलीव बिकॉज दैट्स नॉट वेयर द रियल वैल्यू इज. वैल्यू इज टू मेकिंग एवरीवन एलिजिबल. बट ऐसे में डोंट यू थिंक इवेंचुअली डाउन द लाइन वंस पीपल, जैसे टिकटॉक के साथ हुआ था, इट एम्पावर्ड अ लॉट ऑफ पीपल. बट आफ्टर अ पॉइंट देयर वर अ लॉट ऑफ लाइक ऑब्जेक्शनेबल थिंग्स देयर. वो चैलेंज आपको लग रहा है डाउन द रोड वो एक रेगुलेशन का फिर एक आ जाएगा, जैसे ओटीटी के साथ हो रहा है कि रेगुलेट करो टिकटॉक को तो बैन ही कर दिया. बिल्कुल आएगा, आना भी चाहिए मेरे हिसाब से, आना भी चाहिए भाई. क्योंकि यार अफकोर्स आप गंदगी मचाओगे तो आप जेल ही जाओगे. करो यार जिसको करना है ना, ऊपर वाले तो भगवान का रूल है, गलत करोगे तो सजा मिलेगी. बट जो रियल वैल्यू है ऐसे मान के चलो. बट ये तो ना कि यार किसी भी चीज को गलत होता है तो टेक्नोलॉजी को आप ब्लेम नहीं कर सकते, राइट? यार ऐसे जैसे कोई भी चीज गलत होती है, जैसे आजकल लोग बिटकॉइन को ब्लेम कर देते हैं कि बिटकॉइन में बहुत स्कैम होते हैं. अबे भाई इंडियन रुपीज में एक्सटॉर्शन होती है, राइट? मर्डर की डीलिंग होती है इंडियन रुपीज में. तो क्या आप इंडियन रुपीज को बैन कर दोगे क्या? है ना, आईफोन से टेररिस्ट यूज करते हैं, राइट? अब मतलब लैपटॉप यूज करते हैं टेल का, लेनोवो का टेररिस्ट, तो आपके लेनोवो डील को बैन कर दोगे? कर लो हमको जाके. इंटरनेट यूज करके आजकल स्कैम हो रहे, लोग ईमेल पे जीमेल पे मेल कर देते हैं कि ये थ्रेट मेल, तो आप जीमेल बंद कर दोगे? तो ऐसे टेक्नोलॉजी को आप बंद नहीं कर सकते, बट हाँ उसको रेगुलेट कर सकते. रेगुलेशन की बात कर रहा हूं मैं. रेगुलेशन तो डेफिनेटली, मतलब डेफिनेटली आई मीन मतलब वेरी मच फेवर ऑफ की रेगुलेट करो आप उसको. और क्योंकि वो एनएफटी हो चाहे ब्लॉकचेन हो चाहे क्रिप्टोकरेंसी हो, आई थिंक ऑल दिस शुड बी रेगुलेटेड. एंड आई एम नॉट इन अ फेवर ऑफ एन अलाउइंग एनीवन टू डू एनी स्कैम और चीटिंग. इट शुड बी वेरी वेरी हार्डली पनिश्ड. बट people are actually using it for a genuine use cases, adding a value to the common people life, I think it should be considered very effective. I think jo aapne technology ka bola wo that dates back to maybe even the atom bomb wala time. It was nuclear fission jab discover kiya tha to positive ke liye kiya tha, use galat ho gaya. मतलब तो वो तो चलेगा, वो तो कभी कोई एंड नहीं है उसका. वो तो कैसे, हर टेक्नोलॉजी का हर कॉन्सेप्ट का है. वो तो अब नाइफ को सब्जी काटने के लिए भी यूज कर सकते हो और आप मर्डर करने के लिए यूज कर सकते हो, राइट? हैमर है, आप कंस्ट्रक्शन भी कर सकते हो और किसी का मर्डर भी कर सकते हो. तो दोनों चीज है, वो हर चीज का वो तो है यार. साइंस इज अ टूल, आप टूल कैसे यूज करना है आपको. तो आपके हिसाब से किस तरह के लोगों को सबसे ज्यादा फायदा होगा एनएफटी से एंड फ्रॉम समथिंग लाइक एनएफटीकली, राइट? सो सी इंटरनेट को आई थिंक कॉमन मैन के हाथ में आए 20-25 साल से ऊपर हो चुका है, राइट? मतलब इंडिया में चलो 20 मान लो, बट वैसे 25-30 साल हो गए रफली. तो जो वैल्यू ना लोगों ने पास 20 इयर्स में क्रिएट करी है डिजिटली, इट कैन बी एन ओपन सोर्स लाइब्रेरी, राइट? सोचो 2000 में आपने कोई ओपन सोर्स कोड लिखा था, वो आज बड़ा होते होते बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बन गया है. वो वैल्यू कैसे मोनेटाइज करनी है, राइट? आपने 2008 में एक ब्लॉग लिखा था, you know, a kind of whistleblowing article about the scam, you know, in the financial system. Wo article has now become a history because 2008 mein jo crash hua tha, uske museum ke liye jana chahiye usko, right? That whole article should go to the museum. To bahut sari cheeze hain aisi. Uske alawa kuch aise movements hain jo logo ne pichle 20 saal mein ikatthe karke rakhe hain, unhe lagta hai ki yaar ye to bahut badhiya cheez hai, collectible jisko bolte hain. To aapne just dil se connectable ke liye aapko shauk tha, aapne bana ke rakh liya. But now you need money, you need to monetize that so that you know you can add value. तो वो चीजें कैसे होंगी? वो चीजें होंगी अब NFT के through, so people can make money out of it. Right? That's मुझे लगता है कि बहुत अच्छा होगा, है ना? Like you said शुरू में कि essentially जैसे collectibles की अगर बात करें तो auction house का role ही काट दिया बीच में से. खत्म कर दिया, निकलो यहाँ से, खत्म करो इनको. जब लूट मचाते हैं, कमीशन खाते हैं, लूटो, हटाओ इनको. So अभी पिछले 6-8 महीने साल अच्छा एक काफी तगड़ा बूम आया है NFTs अवेयरनेस में भी, जस्ट लोगों के क्रिएशन में भी और ऑफ दैट. हाउ डू यू थिंक पीपल विल बी एबल टू सस्टेन दिस? यार ये तो थोड़ा स्लो डाउन होगा यार. एक्चुअली मैंने ये दिखा है NFT का जो क्रेज है ना वो समहाउ कनेक्टेड टू क्रिप्टोकरेंसी क्रेज है. So the way cryptocurrency case goes high and low based on the cryptocurrency price, so ये NFT will go ऐसे चलता है. But इस noise के बीच में ना कहीं पे एक real value कहीं ना कहीं build up हो रही है. वो build up जो हो रही है ना वो constantly grow करती जाएगी. तो
तो ऐसे समझ लो कि ऐसे केज ऐसे ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, बट जो कॉन्स्टेंट वैल्यू है ना वो धीरे 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 ग्रो कर रही है, वो चलती रहेगी, वो हमेशा ग्रो करेगी। अवेयरनेस बढ़ेगी तो 100 लोग आएंगे जस्ट फॉर द हाइप, तो उसमें से 10 लोग होंगे जो रियल वैल्यू ढूंढ के डिलीवर कर रहे होंगे, वो 10 लोग हमेशा हर साल ऐड हो रहे होंगे, बस यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। उतने में ही ये कंपनी और ये प्रोजेक्ट्स और ये जो इस टाइप के जो प्रोजेक्ट्स हैं, ये आइडिया है और ये जो टेक्नोलॉजी है ना, वो मैच्योर हो जाएगी। ओके, मुझे ऐसा लगता है और ये बिल्कुल चलेगा लंबे टाइम के। हम इन्वेस्टर्स से लाइक हमने क्रिएटर्स की और यू एंड यूजर की बात की कि वो रिस्पांस किस तरह का रहा है, व्हेन यू टॉक अबाउट इन्वेस्टर्स वहां से किस तरह का रिस्पांस मिला है अभी तक? काफी इंटरेस्टिंग है एक्चुअली, एक्सप्लोर तो सभी कर रहे हैं, टू बी ऑनेस्ट सारे इन्वेस्टर एक्सप्लोर कर रहे हैं, बट ऑफ कोर्स कुछ हैं जो समझ पाते हैं कुछ नहीं समझ पाते, उसको लगता है बकवास है सब स्कैम है बैड है सब बकवास है, फट जाएगा ये, फटेगा ठीक है भाई, जो रिस्क लेगा वो गेन भी लेगा, जो नहीं लेगा वो नहीं लेगा, तो बट ये कि सम पीपल एक्चुअली अंडरस्टैंड द रियल वैल्यू बिहाइंड इट, हाउ इट एक्चुअली वर्क्स एंड हाउ मैसिव दैट वैल्यू इज बीइंग क्रिएटेड बाय डिस्ट्रीब्यूटेड without any involvement of any trusted third party, I personally see it as a huge value, right? Okay. You doing something without going to a someone to beg that यार ये करा दे please यार करा दे यार, नहीं नहीं भाई जिसको कहा ना सीधे कराओ अपने आप, बीच में कोई है ही नहीं है ना, you are the king, तो कितनी अच्छी बात है यार अपने आप में। तो वो चीज जो है ना मुझे ऐसा बहुत इंटरेस्टिंग वैल्यू लगती है वो, और वो अभी धीरे 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 ना आप मतलब मेरे को लगता है कि ऐसे 5-10 साल में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल आ रही है ना, तो इलेक्ट्रिक मनी के साथ, इलेक्ट्रिक व्हीकल के साथ, इलेक्ट्रॉनिक असेट्स के साथ लोगों की लाइफ डिफरेंट होगी, मैं आपको बता रहा हूँ लोगों की लाइफ डिफरेंट होगी, सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक होने वाला है। और हमें सुनने में बड़ा ही स्टूपिड लग रहा हो बट आजकल वर्चुअल लैंड्स भी आने लग गए, पीपल आर बाइंग लैंड्स इन अ वर्चुअल वर्ल्ड राइट थ्रू NFT, सो कितना स्टूपिड लग रहा है सुनने में है ना, बट अब आप 10 साल बाद देखना जाके इसको, आपको लगेगा कि यार आपने एक लैंड लिया, 1 acre का लैंड आपने लेट से खरीदा है डिसेंट्रल लैंड में जाके, और वो आपको 0.1 ईथर का पड़ा, जो कि 0.1 ईथर इज लाइक $300, ठीक है आपने कहा छोड़ा है ले लेता हूँ छोड़ दो, 10 साल बाद आपने देखा वो साला $3 million में बिक रहा है ठीक है, तो लोग कहेंगे यार 2021 में अगर मैंने कर लिया होता ना तो आज मैं इतने रुपए का होता, इतने का कर लेता तो इतने का होता, तो वो जैसे आप 2011 में सोचते हो ना कि 2011 में मैंने अगर बिटकॉइन ले लिया होता तो आज मैं इतना अमीर होता, मैं हमेशा सोचता हूँ यार अगर मैंने 2011 में 1 लाख का बिटकॉइन लिया होता 1 लाख रुपए का, जो कि मेरे पास थे राइट, ऐसा नहीं मेरे पास नहीं थे, मेरे पास थे और मुझे पता नहीं था क्या करना है उसका, मैंने ले लिया होता सपोज 1 लाख का जो अमाउंट था उसमें मेरे लिए, तो आज वो कम से कम नहीं तो 15-20 करोड़ का होता, 1 लाख का ज्यादा शायद, तो सोचो ना, तो ऐसे जो लोग सोच रहे हैं ना वो एक्चुअली मे बी यू आर सिटिंग इन दैट 2011 राइट नाउ, यू कैन डू इट नाउ टुडे, और वो आपको पता चलेगा 2031 में कि कौन बेवकूफ बना और कौन हीरो बना, तो इट्स ऑल अप टू यू, बट हां ठीक है कि गलत भी हो सकता है, गलत भी हो, बट मैं बता रहा हूं ये इज नॉट गोइंग टू बी स्मॉल, बिकॉज़ एज अ कांसेप्ट अगर आप बात करो, इफ यू पुटिंग द हैंड द पावर इन द हैंड्स ऑफ एक्चुअल क्रिएटर्स, पीपल हु एक्चुअली वांट टू शोकेस देयर इमेजिनेशन एंड उससे थोड़ा सा अगर लाइफ चलाना चाह रहे हैं, अगर उसे ठीक से यूज कर लिया तो फिर ऑब्वियसली देयर इज नथिंग स्टॉपिंग इट। नो मूवी देखिए रेडी प्लेयर 1 जो आई थिंक स्टीवन स्पीलबर्ग की है मूवी, वो आई थिंक स्टीवन स्पीलबर्ग है या तो उस टाइप की जो चीज है ना वो वर्ल्ड में होने वाली है, आप तैयारी कर लो ठीक है, नहीं करोगे तो भी आपकी मर्जी है बट होना तो है ही वो, तो उसमें ना रियल मनी अभी आज देख लो यार, आज बिटकॉइन में रियल मनी इधर से उधर हो रही है, किसने सोचा था, तो कुछ नथिंग बट अ वर्चुअल गेम राइट, आप सोचो ना मोबाइल में आपकी वर्चुअल गेम है, वर्चुअल गेम को आप टोकन मान लो उसको वर्चुअल गेम का, वो टोकन ऐसा लग करोड़ों में बिक रहे हैं लाखों में बिक रहे हैं, तो आप तो बेवकूफ बन रहे हो ना अगर आप कह रहे हो कि ये सब फैड है, क्योंकि यार वो तो हो गया ना, ये तो हो रहा है भाई, मतलब हाउ फैड, मतलब ये तो रियल हो रहा है, रियल रियल मतलब वर्चुअल वर्ल्ड में जाके आप पैसे इधर से उधर कर सकते हो यार, ये तो हो रहा है, तो मतलब बचा क्या, किस बात का क्लेम भाई, क्या विजन है फॉर द कंपनी,
going to be similar? Is it going to be similar in terms of the commission based or bhi aap किसको क्या पसंद आ रहा है क्या पसंद नहीं आ रहा, तो उस हिसाब से विल डू इट राइट. एंड ऑफकोर्स द वे पीपल आर एक्चुअली एक्सप्लॉइटिंग आवर प्लेटफॉर्म, कोई आके फ्री में यार लाखों की करोड़ों की वैल्यू लेके जा रहा है तो हमें बुरा लगेगा, हमें लगेगा यार कि हम एज अ बिजनेस वी डिजर्व समथिंग राइट, तो वो हम उसको कैप करेंगे किसी तरीके से. तो विल सी, वो विल सी. सो व्हाट इज योर वन बिग होप फॉर एनएफटीज इन जनरल एंड फॉर एनएफटीकली फॉर नेक्स्ट 5 इयर्स? सो एनएफटी इन जनरल तो मेरे को ये है कि यार ये ना जो हाइप है ना सारी, ये इसके बियॉन्ड जाए, मुझे बड़ी होप है और कुछ जाएगा ही मुझे लगता है. ठीक है, मतलब ये आर्ट आर्ट सब ना जो है अच्छी चीज है, ऑफ कोर्स मैं मतलब बैड नहीं कह रहा उसको, बट इसके बियॉन्ड जाएगा ये नॉन आर्टिस्टिक डिजिटल एसेट्स में, व्हिच आई वांट टू सी विद इन 5 इयर्स. एंड फॉर द कंपनी आई वांट टू सी इट एज अ यू नो वन स्टॉप शॉप और वन गो शॉप फॉर एनएफटी इन एज अ फुल स्टैक कंपनी. सो इफ यू नीड एनीथिंग रिलेटेड टू एनएफटीज वी शुड बी द यू नो द टारगेट एंटिटी यू शुड गो. एंड वी वांट टू हैव अ सो यूएक्स रिच कंपनी that people feel कि यार इसके अलावा तो मैं सोच भी नहीं सकता, मतलब भी इतना अच्छा यूजर एक्सपीरियंस होना चाहिए, इतना अच्छा एक्सपीरियंस होना चाहिए कि वाला आदमी मरने को तैयार हो जाए कि मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं मर जाऊंगा बट मैं इसको नहीं छोड़ूंगा. ये मैंने ऐसे कई सारे प्रोडक्ट देखे हैं इंडस्ट्री में, हाँ जी बिल्कुल, जिनको देख के मुझे लगता है कि मैं कोई मुझे कहेगा ना मैं फ्री में भी दे रहा हूँ तो भी मैं उसका प्रोडक्ट नहीं लूंगा जहाँ पे मैं 3% दे रहा हूँ. ऐसे ऐसे इंडस्ट्री में प्लेयर्स है मार्केट में राइट नाउ, तो यानी कि वो 3% ले रहा है, उसे कहीं ज्यादा वैल्यू दे रहा है वो मुझे, तो मैं क्यों फ्री में जाऊं? तो देयर इज नथिंग चीप और यू नो एक्सपेंसिव, इट्स ऑल अबाउट अबाउट वैल्यू डिलीवरिंग राइट एज अ टू अ कस्टमर. $1,000 अ मिलियन डॉलर अ ईयर फीस इज ऑल्सो चीप एंड $10 अ ईयर फीस इज ऑल्सो एक्सपेंसिव. इट डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्ट एंड डिपेंड्स ऑन द वैल्यू यू आर डिलीवरिंग. ट्रू वैल्यू दे रहा है तो 1 मिलियन देने को तैयार है आपको एनुअली, आप उसको 2 मिलियन की वैल्यू दो पलट के वो दे देगा आपको $1 मिलियन पर ईयर. पैसों को दुनिया में किसी को कमी नहीं है यार, जमाने गए वो पैसों के, बिजनेस में किसको कमी होती है, सबको वैल्यू चाहिए होती है, आप वैल्यू दो आप कितना पैसा चार्ज करो. जी जी बिल्कुल, आई थिंक दैट्स अ रियली नाइस पॉजिटिव नोट टू एंड ऑन. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस. एंड आई थिंक जिस जो भी ये देखे, व्होएवर इज आउट देयर वाचिंग दिस, आई एम श्योर दे लर्न अ लॉट. दिस वाज अ रियली रियली गुड वैल्यू ड्रिवन थिंग. सो थैंक्स अ लॉट फॉर स्पेंडिंग टाइम. थैंक यू.